उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चल रहे भारत और कजाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास खत्म हो गया है और इस मौके पर दोनों देशों के सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। तो 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में पहाड़ी और जंगली इलाकों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला, तो अभ्यास के भाग के रूप में महत्वपूर्ण व्याख्यान और प्रदर्शन और काउंटर इमरजेंसी और काउंटर टेर से संबंधित अभ्यास किए गए। तो साथ ही इस दौरान रॉक क्लाइंबिंग, फायरिंग और हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतारना समेत आतंकियों पर लगाम कसने जैसे अभ्यास किए गए। तो सैन्य अधिकारियों के मुताबिक संयुक्त प्रशिक्षण निसंदेह एक अभूतपूर्व सफलता थी। दोनों सेनाओं के बीच समझ को बढ़ावा देने के अलावा ये दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है।